सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर शिफु। और आज हमारा कैंडल रीडिंग मास्टर क्लास सीरीज़ का Day-7 मतलब लास्ट दिन। सो इसके बाद में मेरे पास 3 से 4 टॉपिक है जिन पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। बेसिकली मेरे लिए एक जो टॉपिक है वो ये भी है कि आप 10 दिनों में अपनी जो कैपिटल है, जो भी आपके पास कैपिटल होगी, उसको 10 दिनों में प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे ग्रो कर सकते हो। कोई भी बिगिनर, एडवांस, कोई भी जिसका अभी तक लॉस हुआ है लेकिन वो भी अपने अकाउंट को ईजिली ग्रो कर सकता है। सो कंप्लीट 10 दिनों की सीरीज़ में आपको प्रॉपर हर एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देन जिसने आज की ये मास्टर क्लास की सीरीज़ नहीं देखी अभी तक, पूरी सीरीज़ मैंने बना रखी है 6 दिनों तक, तो वो एक बार ज़रूर से जाके आप देख लेना। और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से ऑन कर लेना जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके लिए पहले आ जाए। सो कल हमने क्या किया था, 3 ट्रेड ली थी जिसमें से 1 मैंने विन की और 2 लॉस की। देन कल मैंने आपको बोला था कि हम मार्केट में ईजिली प्रॉफिट बना लेंगे। सो आज अमन मार्केट में इजीली प्रॉफिट बनाएंगे और मैं ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा। देन आपको जो भी ट्रेड लूँगा वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर भी दूँगा। तो आज हम ट्रेड करेंगे USD INR में। सो मेरे पास चार्ट पैटर्न की सीरीज़, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न की सीरीज़, देन 10 दिनों में आप अपने कैपिटल को डबल कैसे कर सकते हो, इतनी सारी सीरीज़ है। तो जिस भी सीरीज़ में आपके जो ज़्यादा कमेंट आएंगे सो उस सीरीज़ को मैं पहले स्टार्ट कर दूँगा। देन जो भी न्यू अभी देख रहा है वो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर देना। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो यहाँ पे मार्केट में हम एक डाउन के साइड में जा सकते हैं शायद से, बिकॉज ऑफ के यहाँ पे मेरे पास डाउन जाने के पीछे एक ही रीज़न था जो मैंने यहाँ पे देखा था, मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग और कैंडल रीडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इन दोनों के रीज़न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड डाउन साइड की प्लेस किए। मेरे अकॉर्डिंग एक शॉर्ट शॉर्ट विन ट्रेड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो मार्केट में एक स्टेक एरिया आ चुका है जहाँ पे मार्केट इस जोन को मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसी जोन में कलर पैटर्न का फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो तो मैं आपके लिए एक और बात बता दूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड की, और साइडवेज मार्केट में है तो कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना प्रेफर किया करो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इसमें हम डाउन साइड में क्यों गए, फर्स्ट ट्रेड हमने प्लेस किया, देन यहाँ पे हमने डाउन साइड की एंट्री क्यों प्लेस की, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखो तो बेसिकली मार्केट बिहेवियर क्या होता है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। अगर इस सीरीज़ को आप प्रॉपर देख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड प्लेस करने का हमारे पास जो रीज़न था वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में जो ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने बैक में क्या किया कि मार्केट ने जंप अप दिया और ऊपर चला गया, ठीक है। बेसिकली जंप अप जंप डाउन की थ्योरी क्या कहती है कि उस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए। देन यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे मार्केट ने जंप अप ओपन किया और इसका ब्रेकआउट नहीं किया मतलब ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे बैक में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है या लॉजिक क्या है मार्केट का, तो हमको हमेशा मार्केट के साथ चल के पैसा बनाना है, मार्केट को ऑपोजिट चल के कभी भी पैसा नहीं बनता है। सो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है तो उसके बाद मार्केट ने जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपन किया है तो मार्केट में क्या हुआ, वो उसी के साइड चला है, मतलब उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, यहाँ पे भी सेम लॉजिक, तो यहाँ पे भी फिर हमने सेम ही लॉजिक अप्लाई किया। लेकिन इसके बाद में जरूरी नहीं है कि हम सेम लॉजिक अप्लाई करें जैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है वो वीक आना शुरू हो चुकी है। देन यहाँ पे इस गैप को फुलफिल करने के लिए भी एक रेड की कैंडल बन सकती है, जो मैं आपको बहुत बार अपने वीडियोस में बताता भी हूँ। यहाँ पे मार्केट जंप अप ओपन किया तो हमको अपसाइड में नहीं जाना है, हमको डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करनी है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो ट्रेड प्लेस ही मत करो मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन अगर समझ आ रहा है, मार्केट साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत समझ रहे हो मेरे वीडियोज़ देख के, तो यहाँ पे आपको डाउन साइड की ही ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि मार्केट ने जंप अप ओपन किया तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए। मार्केट ने बिफोर में तो नहीं किया है लेकिन यहाँ पे इस गैप को फुलफिल करने के लिए भी एक सेलिंग की कैंडल बननी चाहिए। देन यहाँ पे मार्केट में कलर पैटर्न की ग्रीन रेड, सो यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड, सो आई होप आप सब समझ गए होंगे। देन यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कैंडल्स को भी रीड किया था, जैसे इसमें मैंने कैंडल्स को कैसे रीड किया था कि इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर आया था, जैसे आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था, आपने भी शायद से देखा ही होगा, या फिर वीडियो को थोड़ा बहुत बैक करके देख लिया करो। अगर कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को थोड़ा बहुत फिर से सुना करो जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। एक बार आपको ये लॉजिक समझ में आ गया जो मैं देता हूँ वीडियोज़ में मेरे, तो मेरे अकॉर्डिंग आप मार्केट को ईजिली थोड़ा बहुत सही से देखना शुरू कर दोगे, जो नॉलेज होती है उसके बेस पर मार्केट को जज करना शुरू कर दोगे। फिर जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट आप मार्केट से पैसा ही बना लोगे। सो अब हम फाइंड करते हैं कि कोई नेक्स्ट ट्रेड हम प्लेस कैसे करें। सो मैं बेसिकली एक ही पेयर में ट्रेड प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको भी ये समझ आ जाए कि अलग अलग चार्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं, एक चार्ट में आप अगर परफेक्ट हो जाओगे। सो बेसिकली इस चार्ट में हमने
तीन से चार दिन ट्रेड किए, तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैंने तीन चार दिनों में ट्रेड की, तो मैंने ज़्यादा यहाँ पे लेवल्स क्या देखे कि इस टाइम पे मतलब रात के टाइम पे 10 बजे के बाद मार्केट में, मैं ज़्यादातर 10 बजे से 12 बजे के बीच में ट्रेड करता हूँ। सो हमने यूएसडी आईएनआर में जो ऑब्जर्व किया वो बता देता हूँ। सो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मार्केट में जब गैप अप या गैप डाउन होता है, तो मार्केट में जब भी गैप अप गैप डाउन होता है तो वो प्रीवियस लेवल का जो रेस्पेक्ट होना होता है वो देता है, मतलब जैसे यहाँ पे रेस्पेक्ट दिया था। देन हमने मार्केट में थोड़ा बहुत और ऑब्जर्व किया, तो हमने ये भी पता चला कि मार्केट जब भी ऐसी कैंडल्स बनाता है जिसमें एक प्रेशर आया हो बाइंग की साइड का, तो उस गैप को भी फुलफिल करने के लिए मार्केट एक शॉर्ट शॉर्ट कैंडल बनाता है। सो इतनी बातों को हम धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट में। अब यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग की साइड में हम जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ पे ट्रेड इसलिए प्लेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इतना कन्फर्म भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये पैटर्न बना है, ये पैटर्न बना है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देन यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैमर बनी, देन इस तीनों कैंडल्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बननी चाहिए। लेकिन जो हमारी साइकोलॉजी है, अगर आप मार्केट के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दोगे तो आप एरर कैंडल्स को फाइंड कर लोगे, और यही है आपके जो एडवांस नॉलेज है वो यही है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने जंप डाउन ओपन किया, देन यहाँ पे ये कैंडल भी सही बनी है, जैसे यहाँ पे इस गैप को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक रेड कैंडल आई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओवरऑल एक सही कैंडल बनाई है, ठीक है। देन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जंप डाउन ओपन किया, प्रीवियस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना चाहिए, जो मार्केट यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है जाने की, लेकिन इस कैंडल में जो स्ट्रॉन्ग का प्रेशर था, बाइंग का प्रेशर था, तो हाई चांस है कि लास्ट में भी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस लेवल को मतलब जो लॉजिक होता है उसी को अप्लाई किया। तो मैं आपको ये साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ कि मार्केट की क्या साइकोलॉजी है। आप किसी भी पैटर्न पे इतना भरोसा मत किया करो, जैसे हम आपको पैटर्न पे भी चलना है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो पैटर्न को आप फॉलो ही मत करो, ऐसा नहीं होता है। पैटर्न्स को भी फॉलो किया करो, लेकिन सिर्फ पैटर्न्स को ही फॉलो मत किया करो। जैसे यहाँ पे ये पैटर्न बना है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्या बनाता है। अगर आपको ये साइकोलॉजी, ये मार्केट बिहेवियर आपको पता चल गया, तो आप यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करते हो और विन भी कर लेते। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस नहीं की, अगर ये ग्रीन इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती, जो ये लेवल है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती तो मैं और भी ज़्यादा कन्फर्म हो जाता कि यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट एक ग्रीन की बनेगी। लेकिन ये अभी भी एक स्टेक एरिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड की साइड में मुझको जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया क्योंकि मुझको यहाँ पे इतना कन्फर्मेशन नहीं आया था। सो यहाँ पे अब हम फाइंड करते हैं कि हम कौन सी नेक्स्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट शॉर्ट बाइंग की साइड में शायद से जा सकता हूँ, बिकॉज ऑफ मैं सिर्फ मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड प्लेस की है। अगर लॉस होगी तो हम कोई और पेयर में ट्राई करेंगे, इस पेयर में ट्राई नहीं करेंगे। फिर भी अब देखते हैं कि जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या होता है। इसमें एक लास्ट में जो सेलिंग मतलब बाइंग का प्रेशर आया था वो इस लेवल से आया था। फिर भी अब देखते हैं कि जो रिज़ल्ट होता है वो ओवरऑल क्या होता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग ही चले। हम मार्केट के अकॉर्डिंग चलना प्रेफर करेंगे, मार्केट कभी भी अपा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो क्या होता है। देन आज हमारे हमने फर्स्ट ट्रेड थी वो तो हमने विन की, देन सेकेंड ट्रेड हम लॉस कर रहे हैं। सो हम फाइट करेंगे कि अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मतलब नेक्स्ट ट्रेड हम किस में प्लेस करें, कौन से मार्केट में प्लेस करें, क्योंकि यहाँ पे जो हमको परसेंटेज है वो भी अब कम मिलना शुरू हो चुके हैं। सो 91% है। मैं फाइंड करता हूँ कि कोई ऐसा मार्केट फाइंड करूँ जहाँ पे मैं, सो यहाँ पे हम ये ट्रेड लॉस कर चुके हैं 92% AUD JPY। सो यहाँ पे मार्केट सेम ही लॉजिक अप्लाई कर रहा है, गैप अप गैप डाउन में उसी लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है। सो फाइंड करते हैं, क्योंकि आज मेरा जो टारगेट है वो 9000 से अपने अकाउंट को बाहर निकालना है, मतलब 9000 200, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक से दो ट्रेड और प्लेस कर लूँ। अगर लॉस होगा तो लॉस बुक कर लेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट में मार्केट से आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ। सो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, देन मार्केट को एक अपसाइड की रैली दिखानी चाहिए थी, लेकिन जैसा हर एक में आपने देखा होगा तो मार्केट में जब भी ये पैटर्न बना है तो उसके बाद में एक रेड की कैंडल आई है, जबकि मार्केट को ऑपोजिट करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखते हैं कि अब जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है। सो यहाँ पे इसने इसी में एंगल्फ कर लिया है। सो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड प्लेस कर दी अप डायरेक्शन की, बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बननी चाहिए। बेसिकली हमने जो ट्रेड प्लेस की है, जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो हमारी ट्रेड विन हो सकती है, लेकिन जो
एंट्री है वो हमने यहाँ पे प्लेस की। अगर यहाँ पे प्लेस करते तो शायद से थोड़ा बहुत और विन करने के चांसेस हो सकते थे। बेसिकली यहाँ पे हम अपसाइड में क्यों गए, अगर ये ट्रेड लॉस होगी तो हम मार्केट में फिर कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या था, बेसिकली यहाँ पे था एक गैप अप गैप डाउन का लेवल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत लेवल्स को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये हो गया, देन ये हो गया। तो ये जो लेवल हो चुका है वो बेसिकली क्या लेवल हो चुका है वो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। सो मैं यहाँ पे पहले ट्रेड को देख लेता हूँ, ये ट्रेड विन होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। अब लास्ट में अगर जाके लॉस होगा तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। सो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, शायद से हमारा अकाउंट 9000 से बाहर जा चुका है। सो जब कैंडल्स ऊपर नीचे होती है तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबको भी पता होगा कि क्या हालत होती है आप सबकी, फिर भी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमको विन करना चाहिए था और मार्केट ने अभी जंप अप जंप डाउन कुछ भी नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे और भी थोड़ा बहुत कंफर्म हो चुका था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गैप अप गैप डाउन का लेवल था, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला भी था कि ये लेवल होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन यहाँ पर हमने क्या बात ऑब्जर्व की, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेवल के बाद में ही मार्केट को एक रिवर्सल देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस गैप को फुलफिल करने के लिए मे भी मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी, देन इस लास्ट में थोड़ा बहुत बाइंग का प्रेशर आया तो हम और भी ज़्यादा श्योर हो गए कि यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बन सकती है। फिर भी मार्केट थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी हो सकती है, शायद या मैं रात को ट्रेड कर रहा हूँ तो मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मूव कर रहा है। देन यहाँ पे सभी OTC मार्केट का यही हाल है। सो मैं रियल मार्केट पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि उसमें भी हम 3 से 4 दिन या जो भी मुझको टाइम मिलेगा तो मैं उसमें भी ट्रेड प्लेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो बेसिकली मेरा तो टारगेट तो यहाँ पे 9500 रुपये तक लेके जाना का था, लेकिन जैसे मार्केट के हालात हैं मुझको लगता नहीं है कि मैं इतने पैसे बना पाऊँगा। मैं आपसे कोई भी ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं रियल में इतना पैसा बना लेता हूँ, मतलब बना सकता हूँ अगर मार्केट थोड़ा बहुत सही मूव करे। जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे सही मूव किया, यहाँ पे कोई भी जंप अप जंप डाउन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा कन्फर्म हो गया, इसलिए मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी। अगर मार्केट यहाँ पे जंप अप जंप डाउन करता तो मैं 1 ही ट्रेड प्लेस करता, देन वो अगर लॉस होती तो मार्केट से आउट हो जाता। सो अब हम थोड़े बहुत कैंडल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो मैं उसी में ऑब्जर्व कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट में हम ट्रेड तो विन कर लिए लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो ख़राब मार्केट में अगर हम फाइंड करेंगे अपॉर्चुनिटी को तो हम ज़्यादा एरर्स कैंडल को फाइंड कर पाएंगे। जितने ख़राब मार्केट में आप ट्रेड करना सीख गए तो उतने ही आप ज़्यादा एडवांस लेवल की नॉलेज आपको इसी मार्केट मिलेगी। जो ख़राब मार्केट होता है उसी में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलती है, क्योंकि अगर सही मार्केट में आप नॉलेज लेने जाओगे तो वहाँ पे आप, मुझको पता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने जो भी ये नॉलेज सीखी है वो सब OTC मार्केट में सीखी है। और ये सब मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ तो मैं सीख भी रहा हूँ, हर दिन मुझको भी कुछ नया सीखने को मिलता है और सिखाने को भी मिलता है। सो मेरी नॉलेज मे भी आपके लिए भी थोड़ा बहुत काम आ रही होगी। सो अगर काम आ रही हो और आप वीडियो में अभी तक बने हो सो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, देन बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ये जो सीरीज़ है न्यू सीरीज़ लेके आने वाला हूँ कि आप 10 दिनों में अपने अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न, OTC मार्केट बिहेवियर और भी बहुत कुछ जो आपकी नॉलेज को, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एडवांस लेवल पर लेके चला जाएगा। देन मैं फ्री में सिग्नल प्रोवाइड करना भी शुरू करने वाला हूँ जल्द ही। सो अब हम थोड़ा बहुत मार्केट को भी देखना शुरू करते हैं, ये बातें तो फ्यूचर में हम हैं ही हैं, साथ में होती रहेगी। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन किया, लेवल का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया और नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पे फिर मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट सही मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सही मूव किया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जंप डाउन ओपन किया और नीचे चला गया, ठीक है। सो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि फर्स्ट बारी में फॉलो कर रहा है, सेकेंड बारी में लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, थर्ड बारी में फिर से फॉलो कर रहा है। सो ये रूल हो सकता है मे बी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बैक में यहाँ पे मार्केट ने सही मूव किया है। अगर देखो मेरी बात समझो, मार्केट डाउन ट्रेंड आने के बाद में तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत लॉजिक भी अप्लाई करना होता है। जैसे मैंने इन दोनों को देखा तो दोनों के सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव नहीं किया तो मैंने एक लेवल और देखा पीछे। सो एक लेवल पीछे और देखा तो मुझको एक और नई बात पता चली। सो वो क्या थी यहाँ पे नई बात, कि मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल जंप डाउन ओपन किया, नीचे चला गया, फिर लेवल का ब्रेकआउट किया, फिर जंप डाउन ओपन किया और नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट ने यहाँ पे जंप डाउन ओपन किया, नीचे चला गया, सेकेंड टाइम में मार्केट को इसका ब्रेकआउट करने से था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट एक रेड कैंडल बन चुकी है, मतलब बात तो वही हुई है।
कि यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट ही हुआ है, अदरवाइज मार्केट ने जंप अप ओपन करना था तो ग्रीन कैंडल बनानी थी, ये तो आप सबको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बनी जो कैंडल है वो एक सेलिंग की ही कैंडल बनी है। सो यहाँ पे भी हम अगर ट्रेड प्लेस करते, क्योंकि यहाँ पे भी हम ट्रेड तो डाउन साइड की प्लेस करते लेवल के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग, हमारी जो साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। सो ये लास्ट लॉजिक आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, नीचे चला गया, ठीक है। मतलब गैप अप गैप डाउन में क्या होता है कि प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट करना होता है, ठीक है। तो जंप डाउन ओपन किया, नीचे चला गया फर्स्ट, देन सेकेंड में क्या किया, जंप डाउन ओपन किया और ऊपर चला गया, मतलब लेवल का ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया, देन सेकेंड टाइम में ब्रेकआउट किया, थर्ड टाइम में क्या किया मार्केट ने। सो फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट नहीं किया, सेकेंड टाइम में ब्रेकआउट किया, थर्ड टाइम में ब्रेकआउट नहीं किया। सो सेम लॉजिक अब अगली बारी में अप्लाई कर लेंगे। सो फर्स्ट बारी, यहाँ पे फर्स्ट बारी में क्या करना था कि जंप डाउन है, जंप अप ओपन करेगा तो उसके साथ ही कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ पे कंटिन्यू किया, फिर इस टाइम पे क्या करना है कि लेवल का ब्रेकआउट करना है। सो यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन लेवल के ब्रेकआउट के साइड ही मार्केट ने मूव किया, जैसे जंप अप ओपन किया तो नीचे ही गई है कैंडल। फिर अब जो भी कैंडल बनेगी वो क्या करेगी, फिर से लेवल के अकॉर्डिंग चलेगी और कंटिन्यू उसके साइड में जाएगी। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। देन मार्केट बिहेवियर भी एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, और हर दिन मार्केट में नई कैंडल बनती है तो हर दिन मार्केट बिहेवियर नया होता रहता है। सो मैं हर दिन आपके लिए ऐसे वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ जिससे कि मैं आपको हर दिन थोड़ा बहुत, अगर आप सीखने लगोगे और डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस देखोगे, या तो मेरी वीडियोस देखो या कोई अदर क्रिएटर के देखो, मैं कोई भी ऐसा हेट नहीं दे रहा हूँ। बेसिकली बात यह है कि मेरी साइकोलॉजी अलग है, उसकी साइकोलॉजी अलग है। सो अगर आप एक वीडियोज़ को देख रहे हो, एक क्रिएटर के देख रहे हो, चाहे किसी के भी देखो, लेकिन उस एक के ही देखते रहो, अगर आपको वो जेन्युइन लग रहा है तो उसके देख लो, नॉलेज आपको सही मिल रही है तो उसके देख लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो किसी एक के, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी अलग है, उसकी अलग है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।